प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के बारे में। आज काफी तकड़ी गिरावट आई है वेदांता लिमिटेड के स्टॉक में। पिछले तीन दिनों से एकदम बियर फेस चल रहा है स्टॉक का। क्या यहां पर सेल करना चाहिए या इसको होल्ड करें और बल्कि और खरीदें? आइए जरा चलकर समझते हैं। वन ऑफ द बेस्ट डिविडेंड गिविंग कंपनी है, बट नियर टर्म में अभी थोड़ा सा डेब्ट की वजह से जो इनके पेमेंट्स ड्यू हैं आने वाले समय के, थोड़ा चैलेंजिंग पोजीशन लग रही है कंपनी की तरफ से। अगर कंपनी का फंडामेंटल व्यू देखा जाए तो कंपनी ओवरऑल वेदांता इज वन ऑफ द बेस्ट लिस्टेड कंपनी फ्रॉम डिविडेंड एस्पेक्ट परस्पेक्टिव। एक डाइवर्सिफाई कंपनी है जो नेचुरल रिसोर्स में काम करती है। यहां पर अगर बात करें माइनिंग में है, ऑयल में काम करती है, गैस एक्सप्लोरेशन में काम करती है एंड इंडिया एंड अफ्रीका दोनों जगह पर इनका बिजनेस है। इज कंसीडर्ड वन ऑफ द वेल एस्टेब्लिश्ड रिस्पेक्टेड कंपनी और इनके साथ में कुछ कंट्रोवर्सीज भी रही है जिसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे, इंक्लूडिंग जो एनवायरमेंट वायलेटिंग रूल्स एज वेल एज लेबर लॉ। कुछ अनएथिकल प्रैक्टिस भी इन्होंने की हुई है जिसकी वजह से इनको काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है। कुछ पॉजिटिव स्टफ बन रहे हैं इनकी तरफ से, आइए जरा समझते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है इनकी। देखिए कंपनी का रेवेन्यू जो है 10% के रेट से बढ़ रहा है और साथ साथ में प्रॉफिट जो है 50% के रेट से बढ़ा है। डाइवर्सिफाइड कंपनी है तो एक सेक्टर नहीं चला तो दूसरा सेक्टर चलेगा, गैस पावर जनरेशन। अब इनफैक्ट ये आपको चिप्स बनाने की कंपनी में भी काम कर रहे हैं और इन्होंने काफी अच्छा एक्विजिशन भी किया है, इलेक्ट्रो स्टील्स लिमिटेड का एक्वायर किया है जिससे इनको स्टील बिजनेस में भी काफी अच्छा एंट्री मिली है। सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर टू द रूरल कम्युनिटी एज वेल एज कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करके और साथ साथ में रिन्यूअल एनर्जी को रिसोर्सेज को इंक्रीज करना चाह रहे हैं। अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए दे वांट टू इंप्रूव द एफिशिएंसी और कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं, तभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर मशीन लर्निंग के साथ दे आर ट्राइंग टू एनहांस देयर ऑपरेशन एक्सेलेंस देयर। जैसा मैंने बताया प्रॉब्लम एनवायरमेंट की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनके लिए। ये दे हैव बीन क्रिटिसाइज्ड many times regard to the mining operation और साथ साथ में उन्होंने legal challenge भी face किए हैं from local community environment group for allegation of violation of the environment law। labor dispute भी है, several labor dispute चल रहे हैं इनके साथ में और यहाँ पर company को unfair treatment and poor working condition के लिए कई बार handhold भी कराया गया है। और साथ साथ में आपको पता ही होगा 2018 में Tuticorin copper smelter was shut down by force from the local resident and activity for the pollution and health hazards। आप कुछ और समस्या भी इनके साथ में, डेब्ट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए इसकी प्रॉब्लम की सारी डिटेल हम आपको आगे बताएंगे। The company has been working to reduce its debt throughout the asset sale and cost cutting measure, but वो अभी तक sufficient नहीं है और जिसकी वजह से पिछले 4-5 दिनों से काफी तकड़ी गिरावट आई है। Regulatory challenges अगर बात करें तो ये 2019 में इन्होंने हिंदुस्तान जिंक को गवर्नमेंट का स्टेक जो उनके पास है 17% के आसपास वो लेने की कोशिश की थी 20% के आसपास, उसके लिए रिजेक्ट कर दिया गया था गवर्नमेंट ने, अदरवाइज they'll become single holder of the company। Commodity price fluctuation, Vedanta operation are heavily dependent on, जैसे जैसे मार्केट का, अगर जैसे स्टील का भाव गिर रहा है, आपका ऑयल का भाव गिर रहा है, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है इसके सेल्स के लिए। अब अगर लेटेस्ट खबर की बात की जाए, देखिए यहां पर इनका जो पेमेंट ड्यू है जिसकी वजह से मार्केट में काफी तकड़ी गिरावट आई है, यहां पर इनकी जो लंडन बेस्ड एंटिटी है वेदांता रिसोर्स लिमिटेड, इसके पास में अप्रोक्सीमेटली डेप्ट को अगर देखी जाए तो बहुत बड़े लेवल पर है। 500 मिलियन है इनके पास में अभी। यहां पर अगर किसी तरह से इनको कोई भी नहीं रिसोर्स फंडिंग हो पाती है तो सिर्फ दिसंबर का जो ड्यू पेमेंट है 2023 में 50 मिलियन का वही रीपे कर पाएंगे, इसके अलावा इनके पास और कोई फंड्स अवेलेबल नहीं है। तो 2023 के बाद अगर फंडिंग नहीं हुई या रिफाइनेंसिंग नहीं हुआ तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। साथ साथ में 1 बिलियन जो बॉन्ड ड्यू है जनवरी 2024 में वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। अगर पूरा डेप्ट की बात की जाए तो इसको जरा सा समझिएगा, यहाँ पर ये एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। 2023 में अगर ओवरऑल डेप्ट देखा जाए दोनों कंपनी को मिलाकर 1.2 बिलियन US डॉलर इनका डेप्ट ड्यू है 2023 के एंड तक, जिसके लिए इनके पास महज 500 मिलियन US डॉलर का अवेलेबल फंड्स है यहां पर। तो ये एक बड़ी चैलेंज बन जाएगा। इसके बाद में क्या होगा, फिर 2024 में इनको 4.1 बिलियन US डॉलर डेप्ट रीपे करना है और इसके अलावा 2025 में इनको 3.9 बिलियन US डॉलर डेप्ट पे करना है और इसके बाद 2026 में 4.7 बिलियन इनको डेप्ट करना है। अब इनके पास इतना फंड्स नहीं है ना कैश जनरेट कर पा रहे हैं जिसकी वजह से ये भी एक डिफॉल्ट, अगर कोई भी डिफॉल्ट हुआ तो होगा क्या, बॉन्ड को जंक डिक्लेयर कर दिया जाएगा बाय वेरियस एजेंसीज, जिसकी वजह से इनको फर्दर बॉन्ड की वैल्यू भी डिक्रीज होगी और साथ साथ में इनको फंड्स भी नहीं मिल पाएंगे आसानी से। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अगर बॉन्ड वैल्यूएशन को देखा जाए तो। यहां पर स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट के अकॉर्डिंगली वेदांता शेयर अंडर सेलिंग प्रेशर चल रहा है ड्यू टू द एक्विजिशन हिंदुस्तान जिंक के लिए और साथ साथ में जो यूएस डॉलर इंक्रीज हो रहा है अभी, यहां पर वेदांता के बॉन्ड्स जो है जंक लेवल पर तक डिक्लेयर करने की कोशिश की जा रही है। तो इस स्टॉक में कंटिन्यू डाउनवर्ड एज वेल और इन्होंने 280 का मेजर सपोर्ट ब्रोक किया है। अगला सपोर्ट जो है एज पर द रिपोर्ट 230 से 240। हम अपना टेक्निकल एनालिसिस भी बताएंगे आपको कि कहां पर इसका सपोर्ट रहेगा। यहां पर अगर फंडामेंटल देखा जाए तो
सौरभ जैन वाइस प्रेसिडेंट है एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के, इनके अकॉर्डिंगली मार्केट मूव विल ऑलरेडी नेगेटिव इन रिगार्ड टू वेदांता आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपोजिशन ऑफ वेदांता ऑफर टू एक्वायर गवर्नमेंट स्टेक इन हिंदुस्तान जिंक फॉर 2.9 बिलियन। और यहां पर बॉन्ड यील्ड हैज डेप्रिशिएटेड टू द मोर देन 30%, 30% ज्यादा बॉन्ड गिर चुका है यहां पर, इसलिए ये अब ऑलमोस्ट जंक की कैटेगरी में आ चुका है एंड कंपनी इज फेसिंग द रीपेमेंट क्राइसिस इन द वेदांता बॉन्ड फॉर ग्लोबल मार्केट, जो कि इसके लिए एक अभी चैलेंजिंग पोजीशन बन जाएगी यहां पर अगर ये जल्दी से पेमेंट क्लियर नहीं कर पाए। हमारे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिविडेंड कंपनी और इसका अगर आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो यहां लोअर लेवल पर आपको सेल करने की जरूरत नहीं है। टेक्निकली बताएंगे ये ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है, एक जरूर बाउंस बैक दिखाएगा आपको आगे। देखिए ₹19 का डिविडेंड भी इन्होंने दिया था पिछले साल और गुड एसेट टू ओन है हमारे हिसाब से, जो सेकंड इंटरिम डिविडेंड में 7,000 करोड़ रुपए इन्होंने पे आउट किए थे अपने आपको बताओ। ₹19 का डिविडेंड हिस्ट्री अगर देखी जाएंगी तो काफी अच्छा डिविडेंड दिया है 2021-2022 में, 22 में 16,000 करोड़ रुपए और 2023 में करीब करीब फाइनेंशियल में 18,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया, तो काफी तकड़ा डिविडेंड हिस्ट्री है इस कंपनी के लिए। एल्यूमिनियम कोर बिजनेस का बहुत अच्छा काम चलता है, वेदांता बुलिश ऑन ग्रोथ ऑफ एल्यूमिनियम इंडिया ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए। और साथ साथ में अगर बात करें तो नए ऑपरेशन बनेंगे जो इनके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छे रहेंगे, बट इमीडिएटली जो इनका डेप्ट है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और कोर का एक्सपेंस के लिए भी इनके पास काफी अच्छे एसेट्स हैं। इनका रहेजा ऑन डॉक्टर एनी बेसेंट रोड जो इनका है वो 45 करोड़ का, अनिल अग्रवाल जी ने अपना खुद का रेजिडेंस खरीदा था यहां पर। तो वेदांता अगर हम बात करें LIC 6% की होल्डिंग है, अदर्स के पास में भी काफी अच्छी होल्डिंग है और जिसकी वजह से इनका जो डाइवर्सिफिकेशन है वो हिस्टोरिकली अप्रूव नहीं हो पाया था। अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंपनी अपना प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करेगी, मार्केट में अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगा आने वाले समय के लिए जो कि इनके लिए पॉजिटिव रहेगा। आइए जरा चलकर इसका टेक्निकल व्यू देखते हैं। सबसे पहले तो टेक्निकली 268 पर आज बंद हुआ है, कल 287 पर बंद था और मार्केट ने काफी अच्छा प्रेशर दिखाया। इनफैक्ट मॉर्निंग हाफ में 11 बजे तक ही इसका लो बना दिया 265 का और बंद होते थे 268 पर गया है। ये अभी यहां पर रुकेगी नहीं, ये बात समझिएगा, इसकी गिरावट जारी रहेगी। जिस स्पीड से इसने अपना 50-day मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है 312 के आसपास अभी चल रहा है वो, और ये गिरकर सीधे 268 के आसपास आया, हालांकि शार्प फॉल हुआ है। देखिए ₹60 गायब हो गए इसमें से, जो कि 20% के आसपास है इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन महज 5 दिनों के अंदर, जो कि एक चैलेंज है कंपनी के लिए। आज का वॉल्यूम भी काफी तकड़ा है, देखिए यहां पर करीब 5 करोड़ शेयर हैंड एक्सचेंज हुए हैं, जहां पर ऑन एवरेज करीब करीब 60 लाख के आसपास शेयर हैंड एक्सचेंज हुआ करते थे। स्टॉक का अगर एलिगेटर इंडिकेटर देखा जाए तो वो भी एक काफी एग्रेसिव सेलिंग चल रहा है। देखिए गैप कितना बढ़ चुका है एलिगेटर इंडिकेटर के बीच में और ये तीनों पैरामीटर पर भी गैप बढ़ता जा रहा है, जो कि एक स्लाइटली नेगेटिव व्यू माना जाता है मार्केट की दृष्टि से। और उसका रीजन भी है कि डेप्ट का पेमेंट कैसे करेंगे, ये इनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। सुपर ट्रेंड ने इसको सेल सिग्नल बनाया है और एंगल अगर देखें तो ऑलमोस्ट 70 डिग्री का डिक्लिनेशन एंगल है, इसलिए कह रहे थे कि ये अभी यहां से बाउंस दिखा सकता है, RSI 20 के आसपास आ गया है, तो हो सकता है एक दो दिन और गिरे ये नीचे और हमारी उम्मीद है 250 के आसपास ये बहुत जल्दी एक सपोर्ट लेगा और बाउंस करने की कोशिश करेगा एज पर द चार्ट यहां पर जो दिखा रहे हैं। मैगडी ने यहां से सेल करना शुरू किया, देखिए मैगडी का जब भाव 334 के आसपास था, मैगडी अर्ली सेलिंग इंडिकेटर है और ये कंटिन्यूअसली उसको सेल करके रखा हुआ है अभी तक। बुलिंजर बैंड की देखें तो बैंड की बैंडविड्थ अभी 16 हुई है, बैंडविड्थ अभी यहां पर और भी बढ़ सकती है। ये कैंडल पूरी की पूरी भार बनना एक इंडिकेट करता है कि स्लाइटली ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है मार्केट। देखिए अगर बैंड को देखें तो ये यहां पर एक इसने जो लो लेवल बनाया था 209 के आसपास, 250 का एक सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, अगर वहां नहीं रुका तो फिर ये हो सकता है 209 तक जाने की कोशिश करेगा। तो अभी के लिए ये जल्दी मत करिएगा इसको खरीदने के लिए, ट्रायंगल पैटर्न बनाइए और तभी आपको यहां पर आ जाएगा, आपके लिए बेनिफिट रहेगा इस स्टॉक में निवेश करने के लिए। अच्छा रिटर्न देंगे लॉन्ग टर्म के लिए, डिविडेंड के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, बट आने दीजिए लो लेवल पर। यहां पर हमारे हिसाब से 440 का इसका टारगेट, अगर आप 3 साल तक इसको होल्ड कर सकते हैं। जय हिंद।